इस कोरोना महामारी के दौर में युवा और सभी ही लोग पिछले 5-6 महीनों से लगातार घरों में हैं। बहुत सारे लोगों के काम ठप पड़ गए, कई लोग जो बाहर रह के नौकरी करते थे, अपने आजीविका का साधन उनका बाहर था, घर से दूर रहते थे, वो सभी लोग अपने घर वापस आ गए और आजीविका के साधन बंद हो गए, घर बैठे गए। और ख़ासकर युवा जिसकी पढ़ाई भी एकदम एक तरीके से ठप पड़ी हुई है, परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, जो रोज़गार वाले युवा हैं उनके पास रोज़गार नहीं है, काम नहीं है, नए लोगों के पास इस तरीके से काम नहीं है, क्या करें। बिल्कुल ये ऐसा समय है जिस समय हमें अपनी स्थिति को, अपने इच्छा शक्ति को बहुत मजबूत रखना है। हमें इस बात को इस दौर में अपने आप को किस तरीके से मजबूत रखना है, ये हमें अंदर से सोचना होगा। युवा आज के समय में जो लोगों से मिलता जुलता था, कहीं कोचिंग सेंटर में जाता था, पढ़ाई करता था, या फिर अपने रोज़गार के लिए इधर उधर दौड़ता था, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गईं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गईं, कुछ लोगों को मजबूरी में छोड़ के आना पड़ा। इस समय हम क्या करें? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को अपने आसपास, अगर आप अपने घर पे हैं या कहीं पर भी हैं, अपने स्किल्स को पहचानना होगा कि आपके अंदर कौन सी स्किल है। अभी आप किसी की नौकरी कर रहे होंगे या आप कुछ और काम कर रहे होंगे, मजबूरी में कहीं कुछ कर रहे होंगे, आप अपने स्किल को पहचानिए। अगर आपने अपने स्किल को पहचान लिया तो आप अपनी उस स्किल से अपने रोज़गार, अपने भविष्य, अपने आजीविका के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर स्किल नहीं है तो किसी एक स्किल पर काम करें। इस समय मुझे देखने को मिला है कि ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज, कोई सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, कोई पीजी डिप्लोमा कोर्सेज हैं, कुछ ऐसे सर्टिफिकेट कोर्स हैं, कुछ ऐसे सेमिनार्स हैं, कॉन्फ्रेंसेज हैं जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं और उसके माध्यम से वो अपनी स्किल्स को भी डेवलप कर रहे हैं। कोई प्रोग्रामिंग के अच्छे तरीके जान रहे हैं, कोई अलग अलग चीज़ों के अलग अलग तरीके के स्किल्स के बारे में ऑनलाइन सीख रहे हैं। तो मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि आप सभी लोग ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज और अगर आपके अंदर अपनी कोई स्किल्स हैं उनका उपयोग करें और स्वरोजगार अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूर्ण करें और आत्मनिर्भर होने का प्रयास करें। आप कुछ अपने स्वरोजगार के बारे में करें, अपना रोज़गार खुद डेवलप करें, खुद आप जो है अपने रोज़गार के उसको क्या कहते हैं कि मतलब उसके क्रिएटर बनिए, अपना एम्प्लॉयमेंट खुद क्रिएट करिए, सेल्फ एम्प्लॉयड बनिए। और 10 लोगों को, अपने आसपास के लोगों को जो अपनी नौकरियां छोड़ के अपने गांव चले आए हैं, अगर हो सके तो उनके लिए भी रोज़गार डेवलप करने के बारे में सोचें। जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो ज़्यादा उनके पास डिग्रियां नहीं हैं, उनके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, लिख पढ़ नहीं सकते, अगर ऐसे लोगों के लिए भी हम लोग कुछ ऐसा करें जिसमें उन लोगों को भी इन्वॉल्व कर सकें और उन लोगों के साथ मिलकर हम किसी रोज़गार की शुरुआत करें, तो हो सकता है कि ऐसे छोटे छोटे उद्यम, ऐसे छोटे छोटे चीज़ें आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हों और आगे चलकर हम एक अच्छा व्यवसाय स्थापित कर सकें। तो व्यवसाय हो सकता है, आपकी स्किल हो सकती है, अपनी स्किल को पहचानिए, कोई व्यवसाय करिए। इस तरीके से हम स्वरोजगार और स्वरोजगार कर सकते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए और विस्तृत जानकारी आप बहुत सारे माध्यमों से पा सकते हैं कि उसके लिए कैसे आपको सहायता मिल सकती है और कैसे आप इसको शुरुआत कर सकते हैं। चलिए आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बने। धन्यवाद।